मजे का है। सब्सक्राइब करें प्लीज और वीडियो को लाइक करें। डेस्टिनेशन किचन। लेट्स स्टार्ट। बेसन एक कप, बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून, नमक एक टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर एक टीस्पून, जीरा एक टीस्पून, अजवाइन एक टीस्पून, अच्छी तरह मिलाएं, पानी 100 ग्राम डालें, अच्छी तरह मिलाएं और फिर फेंट दें ताकि गुठलियां ना बने। ब्रेड के 4 स्लाइसेस लेकर उनकी साइड्स उतार लें और दरमियाने हिस्से को 4 बराबर हिस्सों में काट लें और ब्रेड की साइड्स जो कटी हुई हैं उन्हें फेंकना नहीं है। जो साइड्स बची हैं उन्हें भी छोटे छोटे पीसेस में काट लें। बेसन की मिक्सचर में ब्रेड के कटे हुए टुकड़ों को कोट करें। फौरन फ्राई करें। पलटाते रहें। इसी तरह हमारे छोटे कटे हुए साइड वाले टुकड़ों को भी बेसन का मिक्सचर लगाकर फौरन फ्राई करें। इनके बहुत ज़बरदस्त छोटे छोटे भल्ले बनेंगे और इन्हें खाते हुए बहुत मज़ा आएगा। ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं इसलिए इन्हें पलटाते रहें ताकि जले ना। जैसे जैसे फ्राई होते जाएं निकालते रहें। दही 6 कप, चीनी 2 टेबलस्पून या हस्ब जायका, नमक 1 टीस्पून या हस्ब जायका, दही को थोड़ा सा फेंट लें, ज्यादा नहीं फेंटना। प्याज कटा हुआ 1 दरमियाना, थोड़ा सा आखिर के लिए बचा लें। बड़ा आलू 1 क्यूब कट, बड़ा टमाटर 1 कटा हुआ थोड़ा सा बचा लें। अच्छी तरह मिलाएं। अब हम दही भल्ले की तह लगाएंगे।
सबसे पहले हमारे ब्रेड भल्लों की तह लगेगी। इनके ऊपर छोटे भल्ले आधे डाल दें। आधे से थोड़ा ज्यादा दही का मिक्सचर डालें। अब बचे हुए छोटे भल्ले डालें। बाकी का दही का मिक्सचर डाल दें। चाट मसाला 2 टीस्पून, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन अगर कम करेंगे तो खासा फीका हो जाएगा। किनारों पर सीव सजाएं। बचे हुए टमाटर लगाएं। बचे हुए प्याज रखें। इमली की खट्टी मीठी चटनी जो हमने पिछली वीडियो में बनाना सिखाई है और उसका लिंक ऊपर मौजूद है, दरमियान में लगाएं। ताजा धनिया दरमियान में रखें। इमली की खट्टी मीठी चटनी फैलाकर खूबसूरती के साथ डालें और मजे से खाएं। मजे का है। डेस्टिनेशन किचन।